Good afternoon, everyone. Welcome to OSF Education. Today we are going to discuss our last cell organelle, that is centrosomes and centrioles. So as you all know that centrosomes are present only in animal cell. सेंट्रोसोम्स जो फंक्शन करते हैं एनिमल सेल में, वही फंक्शन प्लांट सेल में करने के लिए दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. बट सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. लेट्स सी इट्स डेफिनेशन दैट व्हाट इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम इज अ माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन द एनिमल सेल. सेंट्रोसोम क्या है? तो एनिमल सेल के अंदर एक सेंटर है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम. ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है. सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स. किससे बने होते हैं? दो परपेंडिकुलर अरेंज्ड किए गए सेंट्रियोल से बने होते हैं. अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बीच में, कि कुछ लोग समझते हैं कि वो दोनों एक ही है, बट नहीं, डिफरेंस है दोनों में. ये जो आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा है, दिस ये मदर सेंट्रियोल बोलते हैं उसको, दिस वी नोन एज मदर सेंट्रियोल. और ये दूसरा उसके परपेंडिकुलर अरेंज किया गया है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा उसका अरेंजमेंट ऐसा है इन दिस वे. तो ये जो ट्यूबुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल. और दो सेंट्रियोल ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे तब वो क्या फॉर्म करेंगे? सेंट्रोसोम. तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, पर ये जो एक है उसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स. कौन सी? अ डॉटर सेंट्रियोल एंड अ मदर सेंट्रियोल. दो सेंट्रियोल से बने हुए हैं, मदर सेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल से. वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ बाय इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स. इंटरकनेक्टिंग फाइबर से वो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे. वेट, इन द डायग्राम यू कैन सी इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स हियर. दिस वाइट कलर थ्रेड लाइक यू कैन सी, दिस इज इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स विच कनेक्ट्स द टू सेंट्रियोल्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल माइक्रोट्यूब्यूल्स. उसके पास क्या है? प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? नए माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करेगा. एन एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स सराउंड्स द सेंट्रियोल. ये जो सेंट्रियोल है उसके सराउंडिंग में मैट्रिक्स होता है. एमोर्फस, एमोर्फस मतलब कि शेपलेस, नॉट इन अ शेप. इसके सराउंडिंग मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स. उसका नाम क्यों पेरीसेंट्रियोलर दिया है? क्योंकि सेंट्रियोल के पेरीफेरी में प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स. एन एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स सराउंड्स द सेंट्रियोल. वो क्या काम करता है? तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द न्यूक्लिएशन एंड एनकोरिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके फॉर्मेशन में और जो फॉर्म नए जो फॉर्म हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको एक पोजिशन में स्टेबल करने के लिए काम आता है. सेंट्रोसोम्स इन द एनिमल सेल्स इज वेरी मच लाइक डीएनए. जो एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी हद तक डीएनए जैसे होते हैं. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होगा तब एक सेंट्रोसोम पेरेंट सेल में से ट्रांसफर होगा डॉटर सेल में. प्रोलिफरेटिंग सेल्स द सेंट्रोसोम स्टार्ट्स डिवाइडिंग बिफोर द एस फेज बिगिंस. प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रोसोम्स डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं एस फेज से पहले ही. एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज.
उस फेस के पहले ही प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रोसोम्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. द न्यूली फॉर्म्ड सेंट्रोसोम्स, जो न्यूली फॉर्म हुए हैं सेंट्रोसोम्स, वो क्या करेंगे? तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, दे पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजिंग द मिटोटिक स्पिंडल्स. तो जब मिटोसिस होगा सेल का, तब स्पिंडल फॉर्म होंगे, तो उसके ऑर्गेनाइजिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो नए बने हैं सेंट्रोसोम्स वो. ड्यूरिंग द इंटरफेज, इंटरफेज के ड्यूरिंग द सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनाइज एन एस्ट्रल रे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट हेल्प इन इंट्रासेल्युलर ट्रैफिकिंग, सेल एडिशन एंड सेल पोलारिटी. जब इंटरफेस होगा, तब जो सेंट्रोसोम है वो ऑर्गेनाइज होंगे एज अ एस्ट्रल रे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये सेल जब डिवीजन होगा, इधर स्पिंडल फॉर्म होगा, और ये क्रोमोसोम है जो अभी हम इसको मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज कर देते हैं. ये अभी कौन सा टाइम है? मेटाफेज का टाइम है. तो इधर से ऐसे स्पिंडल अरेंज होंगे. तो ये जो है अभी कहाँ पे है? तो पेरिफेरी पे है. इसको बोलते हैं एस्ट्रल रे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जब इंटरफेस होगा तो सेंट्रोसोम्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे? तो एस्ट्रल रे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में, जो किस में हेल्प करते हैं? इंट्रासेल्युलर ट्रैफिकिंग, सेल एडिशन में और सेल पोलारिटी में हेल्प करते हैं. सेंट्रोसोम साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर फेज. चार फेज होते हैं सेंट्रोसोम की साइकिल में: G1 फेज, G2 फेज, मिटोटिक फेज और लेट मिटोटिक फेज. G1 फेज में क्या होगा? वेयर द ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम टेक्स प्लेस. वहाँ पे सेंट्रोसोम डबल होंगे, उसका ड्यूप्लीकेशन होगा. G1 फेज में क्या होगा? ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम टेक्स प्लेस. G2 फेज क्या करेगा? तो वेयर द सेंट्रोसोम मैच्योरेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे सेंट्रोसोम मैच्योर होगा. थर्ड इज द मिटोटिक फेज, वेयर द सेंट्रोसोम सेपरेशन टेक्स प्लेस. जहाँ पे सेंट्रोसोम सेपरेट होंगे. और फोर्थ फेज है लेट मिटोटिक फेज, वेर द क्रोमोसोम डिसऑरियंटेशन टेक्स प्लेस. जहाँ पे क्रोमोसोम का डिसऑरियंटेशन होगा. तो ये चार फेज है सेंट्रोसोम साइकिल के: G1, G2, मिटोटिक फेज और लेट मिटोटिक फेज. अभी सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? क्यों प्रेजेंट होता है सेल में? द मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम आर लिस्टेड बिलो. पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा. दे मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होगा, तब वो क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करेगा. दे ऑल्सो स्टिम्युलेट द चेंजेस इन द शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय फेगोसाइटोसिस. जब फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, तब सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज करना पड़ता है. तो वो चेंज होने के लिए वो स्टिम्युलेट करेगा सेल मेम्ब्रेन को, मतलब इंक्रीज करेगा उसका फंक्शन. इन मिटोसिस इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंश्योरिंग दैट द सेंट्रोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच डॉटर सेल. जब मिटोसिस होगा, तब वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा कि सेंट्रोसोम्स है वो हर एक डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो. ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन करेगा. दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, देयर बाय फैसिलिटेटिंग चेंजेस इन द शेप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के शेप में जो भी चेंजेस आते हैं, उसको फैसिलिटेट करता है. कैसे? वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करके जो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन की शेप में जो भी चेंजेस आएंगे, उसको फैसिलिटेट करेगा. तो ये थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम्स. पहला क्या है? सेल डिवीजन, देन मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, स्टिम्युलेट द चेंजेस इन द शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मिटोसिस के वक्त ऑर्गेनाइज करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को,
जिससे क्या होगा, सेंट्रोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू ईच डॉटर सेल. एंड लास्ट इज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स बाय फैसिलिटेटिंग चेंजेस इन द शेप ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल. तो ये हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल था, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अभी दूसरे वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.